पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति पर हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निशित प्रमाणिक जी। सर, ममता बनर्जी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पूरा हिंसा हुई है उसके पीछे बीजेपी का हाथ है, इस तरीके का आरोप लगाया गया। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने ऐसा व्यक्ति का नाम लिया जो व्यक्ति को मैं व्यक्ति का नहीं बल्कि उसका चेयर की गरिमा को सम्मान करना, लेकिन मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ क्या वो अपना जो खुद का चेयर है उसका जो मर्यादा है वो समझते हैं, उस गरिमा को समझते हैं? कोई भी सबजुडाइस मैटर को, कोई भी इतना गंभीर विषय को एक दिन में जजमेंट खुद दे देता है? कोई भी मुख्यमंत्री का चेयर पर बैठ के ऐसा हल्का टिप्पणी करना मुझे लगता है कि चेयर की गरिमा को खराब करना। और मैं इसलिए इस विषय के ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी के ऊपर उंगली करते हो तो बाकी जो चार उंगली होता है वो खुद की तरफ होता है, तो ये सोच समझ कर करना चाहिए। और विषय जब सुरक्षा का होता है, जब किसी भी प्रदेश का, किसी भी देश का, किसी भी राज्य का नागरिक का सुरक्षा की विषय होता है, तो वो सुरक्षा सुनिश्चित करना स्टेट गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये दायित्व पालन करने में कोई अक्षम अगर कोई व्यर्थ होता है, कोई फेलियर होता है, तो उस सरकार को भी पूरी तरह से फेलियर कहा जाएगा। मैं सिर्फ यही कहता हूँ, और बल्कि ये मेरा कहना नहीं है, पूरा देश की 130 करोड़ जनता आज ये कह रहे हैं। आप लोगों ने विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी जो वहाँ की कानून व्यवस्था हालात को लेकर के, क्या रिपोर्ट वहाँ से आई है पश्चिम बंगाल से या फिर अभी भी वहाँ से डिले किया जा रहा है? देखिए, ये इतना गंभीर विषय है, इसका रिपोर्ट एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए, इतना जल्दी हो सके इसका रिपोर्ट। और सबसे बड़ा विषय मैं कहूँगा कि ऐसा टिप्पणी, ऐसा भाषणबाजी ना करके, बल्कि इसका ऊपर राजनीति ना करके, स्टेट गवर्नमेंट का ये कर्तव्य होता है, ये दायित्व होता है कि अगर वो जाके स्टेट की साधारण जनगण की, स्टेट की आम जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करें, तो ये बंगाल के लिए, वेस्ट बंगाल के लिए भी भलाई होगा और जो बंगाल का जनता है उसके लिए भी भलाई होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। कानून व्यवस्था को लेकर के जिस तरीके से राज्य सरकार ने कदम बढ़ाया, आपको लगता है कि वहाँ पर कमी रही किसी तरह? देखिए, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर चुन चुन कर जो है निर्दोष लोगों को वहाँ पर सजा दी जाती, और जहाँ दोषी व्यक्ति वहाँ पर दिन दहाड़े वहाँ पर घूमता है, और जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसे ही धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है। और जब बात आता है सुरक्षा का, अगर राज्य उनको सुरक्षा देने में व्यर्थ होता है तो केंद्र से अगर सहायता मांगे तो केंद्र कभी भी उनको सहायता करने के लिए प्रस्तुत है, लेकिन लोगों का सुरक्षा बहुत जरूरी है। आज का दिन में बंगाल जिस तरह से जल रहा है पूरी देश की लोग देख रहा है, और जिस बंगाल से कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, वहाँ से जिस बंगाल से खुदीराम बोस के नाम आता है, सुभाष चंद्र बोस के नाम आता है, जिस बंगाल एक समय गरिमा ये जो है अपना ऐतिह्य और सांस्कृतिक परंपरा के लिए माना जाता है, आज वहाँ पर गुंडागर्दी, पोस्ट पोल वायलेंस, पॉलिटिकल वायलेंस और ऐसा जो है घिनौना हरकत देखने में मिलता है। जिस स्टेट का जो है मुख्यमंत्री इतना हल्का टिप्पणी कर देता है, तो उस देश का, उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है जब इतना हल्का टिप्पणी करते हैं, तो उस राज्य का लोगों का क्या अपेक्षा रह सकती है? एक अंतिम सवाल, NIA जांच को लेकर के मांग की जा रही है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, इस पूरे मामले में गृह मंत्रालय किस तरीके का कदम उठाएगा? देखिए, ये तो समय पर ये बताया जाएगा कि किस तरह से इसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ सही समय पर जो दोषी व्यक्ति है वो सामने आएंगे, वो पूरा जो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, कौन दोषी कौन निर्दोष, ये समय का अपेक्षा नहीं सामने आएगा। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।